आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो सरफेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि स्लैब हो गया फुटिंग हो गया या फिर शेयर वॉल हो गया इन सारे एलिमेंट में दो तरह के रेनफोर्समेंट यूज़ किए जाते हैं एक होता है वो मेन रेनफोर्समेंट होता है और दूसरा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो जानना बहुत ही आवश्यक है अगर आप एक बार इन दो रेनफोर्समेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ गए तो स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी हो वो मेंटेन करने में आपको बहुत दिक्कतें नहीं रहेगी तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेन एनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो चलिए सीखते हैं कुछ तो दोस्तों यहाँ पे हम मेन एनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट का जो डिफरेंस है वो समझने से पहले समझ लेते हैं स्लैब एलिमेंट का बेंडिंग बिहेवियर जब भी जैसे कोई ये स्लैब है उसके ऊपर कोई भी लोड रहता है डेड लोड हो लाइव लोड हो और बहुत सारे लोड इस पर लगते हैं इस लोड के कारण अगर आपका जो स्लैब है वो दोनों तरफ से सपोर्ट किया गया है तो ये जो स्लैब है वो बैंड करता है बैंड करता है यानी कि इस तरह से उसका बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा यानी कि सेगिंग होता है स्लैब में नीचे की तरफ जो होता है वो टेंशन होता है ऊपर की तरफ जो होता है वो कंप्रेशन होता है और सपोर्ट पे अगर आपका जो स्लैब है वो बीम में फिक्स सपोर्ट किया गया है तो आपको सपोर्ट के इस छोर पर ऊपर की साइड में भी टेंशन दिखाई देने लगेगा तो इसके हिसाब से ये जो है स्लैब उसका एक जो डायमेंशन है वो लॉन्गर डायमेंशन है एक जो डायमेंशन है वो शॉर्टर डायमेंशन है यानी मोमेंट जो जनरेट होती है दोनों डायरेक्शंस में जनरेट होती है मगर अगर यहाँ पे देखें तो जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो मोमेंट जनरेट होती है वो ज़्यादा रहती है इसीलिए हम जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करते हैं यानी कि इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं वो इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो मेन एनफोर्समेंट का जो भी इम्पोर्टेंस है वो समझना जरूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का भी इम्पोर्टेंस जो है वो समझना ज़रूरी है तो हम अब समझते हैं कि ये दोनों रेनफोर्समेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अगर हम अब मेन रेनफोर्समेंट के फंक्शंस समझे तो मेन रेनफोर्समेंट जो होता है वो है शॉर्टर डायरेक्शन में जो बैंडिंग मोमेंट जनरेट होती है उसको बीम पे ट्रांसफर करने का फंक्शंस उसका होता है मेन एनफोर्समेंट जो होता है वो नीचे की तरफ डाला जाता है यानी कि नीचे मेन एनफोर्समेंट और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट मेन एनफोर्समेंट होता है उसका डायमीटर जो है वो बढ़ा रहता है क्योंकि जो स्लैब की सारी जो मोमेंट होती है उसको ट्रांसफर करनी रहती है बीम पे तो ये हो गया मेन एनफोर्समेंट का फंक्शन आइए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का या फिर रेनफोर्समेंट का फंक्शन क्या होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है वो लॉन्ग डायरेक्शन में होता है और वो जो रेनफोर्समेंट होता है वो मोमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता है बहुत सारे क्रैक्स होते हैं या फिर टेम्परेचर स्ट्रेसिस कह लो आप या फिर आ, कोई और तरह के जो स्ट्रेसिस लगते हैं लोड के कारण तो उसको वो स्ट्रेसेस मैंटेन करने के लिए लगाया जाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो होता है वो ज़्यादातर मोमेंट को कैरी नहीं करता है तो उसका फंक्शन है कि एक मैश बनाने के लिए या फिर अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेसेस हैं उसको मैंटेन करने के लिए उसको लगाया जाता है उसको लगाया जाता है मेन रेनफोर्समेंट जो होता है उसकी ऊपर की ओर और उसका जो डायमीटर जो होता है वो मेन रेनफोर्समेंट के डायमीटर से कम रहता है तो ये सारे फंक्शंस हो गए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के तो दोस्तों फाइनली अब देखते हैं कि मेन एनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या होता है तो सबसे पहले है नंबर एक पे मेन एनफोर्समेंट बार जो होता है वो नॉर्मली बॉटम पर लगाया जाता है यानी कि जो स्लैब होता है उसकी एकदम बॉटम में कवर के एकदम एग्जेक्टली exactly ऊपर जो लगाया जाता है वो मेन रेनफोर्समेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो होता है वो मेन बार के ऊपर लगाया जाता है दूसरा जो डिफरेंस है वो है मेन बार जो होता है वो शॉर्टर डायरेक्शन में लगाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो लॉन्गर डायरेक्शन में लगाया जाता है तीसरा डिफरेंस है कि हायर डायमेंशन बार जो होते हैं यानी कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसका डायमीटर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट से ज्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का जो बार डायमीटर होता है वो मेन रेनफोर्समेंट से कम होता है चौथा जो डिफरेंस है वो है कि मेन रेनफोर्समेंट बार जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर करने के लिए लगाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होते हैं वो सी स्ट्रेसिस और जो अलग अलग टाइप के अदर स्ट्रेसिस या तो फिर क्रैक्स जो डेवलप होते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के डिफरेंस के बारे में आपको उसका फंक्शन उसका डिफरेंस और उसको किस तरह से यूज़ करना है ये सारी बात समझ में आ गई होगी जिससे आप आपके स्ट्रक्चर की क्वालिटी मेंटेन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस वीडियो के बारे में या फिर कोई भी वीडियो के बारे में आपके कोई भी अच्छे अच्छे कमेंट्स हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड जय हिंद